मेरे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि रैप सॉन्ग्स को या कोई भी सिंगिंग सॉन्ग्स को क्या फ़ोन में रिकॉर्ड करके क्या अच्छी क्वालिटी दी जा सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊँगा कि इससे फ़ायदे हैं या नुकसान। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। हम चलते सीना तान पर, गाड़ियां हैं प्यारी, क्योंकि छोटी उम्र में भी हमने की है दिहाड़ी, क्यों मेरी उम्र से लोग तजुर्बा। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोबाइल के अंदर अपने सॉन्ग्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो देखो, एक तरीका है कि हाँ, अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किसी दूसरे फ़ोन के अंदर एक म्यूज़िक प्ले कर लिया जाए और दूसरे फ़ोन के अंदर एक अच्छा रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके हम रिकॉर्ड कर लें और उसको सिंक्रोनाइज करके कंप्यूटर के अंदर हम कुछ इफेक्ट्स लगाकर या कुछ हद तक उसमें क्वालिटी देकर एडजस्ट कर लें। ओके, तो यहाँ तक आपकी बात मैं समझता हूँ कि चलो ये काम हो जाता है, मैं भी मानता हूँ। अब आगे बात करते हैं, क्या इससे फ़ायदा होगा और इससे नुकसान होंगे या क्या होगा। तो देखो, आपने जो ये सॉन्ग बनाया उसके अंदर अब क्या आपको नुकसान झेलने को मिलता है और जो आपको महसूस भी होता होगा। देखो, फ़ोन के अंदर आप अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते हो या रैप सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते हो, उससे आपकी क्वालिटी आपको खुद पता है कि वो बेस्ट क्वालिटी नहीं है। आपको एक तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो, कुछ नहीं है तो हम किसी तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ चलो, रिकॉर्ड हो जाता है, थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी लगती भी है, पर वो तब लगती है जब आपके पास अच्छा क्वालिटी का माइक हो। समझ रहे हो, जो एक समझ लो कि अच्छी क्वालिटी का माइक, कहने का मतलब है मान लो मोबाइल के अंदर अच्छी क्वालिटी का माइक है जिसके अंदर अच्छी पावर निकलती है, तो उसके अंदर आप अच्छा रिकॉर्ड कर पा रहे हो। और अच्छे रिकॉर्डिंग वाले माइक्रोफोन तो आपको पता ही है कि जैसे कि अपने गूगल फ़ोन्स, गूगल पिक्सल या आईफोन या और महंगे फ़ोन्स वन प्लस, इन सब के अंदर फिर भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, पर इतनी नहीं मिलती कि आप उससे एक सॉन्ग तैयार कर पाएँ। आईफोन जैसे फ़ोन के अंदर फिर भी ऐसी क्वालिटी लगभग मिल जाती है कि आप उसे थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा एक ऐसा लगा सकते हो पता, कि मतलब कि एक प्रोफेशनल हद तक पहुंचा सकते हो, इतना भी हद तक नहीं पर कुछ हद तक पहुंचा सकते हो। ओके, तो पर जब आपके पास आईफोन जैसी कीमत का एक फ़ोन ही पड़ा हुआ है तो आप दूसरा सामान भी ले ही सकते हो ना। इसका मतलब आपके पास बजट है, आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप बजट कर लोगे। अब जो मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं उनके पास बजट नहीं होता तो वो क्या करते हैं, फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं, और उनके फ़ोन भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। कई बार कई लोगों के फ़ोन होते हैं 10,000, 15,000, 13,000, 14,000 इतने तक होते हैं, तो उनके अंदर भी अब क्या नुकसान होता है कि उन माइक्रोफोन्स के अंदर लो फ्रिक्वेंसी होती नहीं है और हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब लो फ्रिक्वेंसी ना होने के कारण क्या होता है, हमारे म्यूज़िक के अंदर तीन फ्रिक्वेंसी के ऊपर म्यूज़िक ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा क्या होता ही यही है, लो, मिड और हाई, जिसके अंदर लो में आ जाता है आपका लगभग बेस या किक जैसे बूम बूम या बूम। अब मिड के अंदर आ जाती है आपकी ज़्यादातर की आवाज़ जो कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, और हाई फ्रिक्वेंसीज़ के अंदर होती है जैसे कि नॉइस। जब आप मान लो मोबाइल फ़ोन को रिकॉर्ड करने के लिए आपने मान लीजिए पूरा रूम को पूरा शांत कर दिया है, इतना शांत कर दिया है कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पर जब आपने रिकॉर्डिंग ऑन करी और तब आपने सिर्फ शांत सिर्फ 10 सेकंड के लिए फ़ोन को रख दिया, तब आपने सुना कि यार रिकॉर्डिंग के अंदर तो नॉइस आ रही है। समझ रहे हो, अब उस नॉइस को हटाने के लिए आपको फिर साउंड बूथ बनाना पड़ेगा, तो फिर आपको पता लगता है कि हाँ यार क्वालिटी नहीं मिल रही। तब आपको ये बात महसूस होगी ज़रूर कि हाँ मोबाइल से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अब लो फ्रिक्वेंसी मोबाइल में तो होती नहीं है ज़्यादा, अब हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण नॉइस आ जाती है। वो क्या है कि मिड फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा काम करता है मोबाइल, क्योंकि हमें बात करनी होती है मोबाइल के ऊपर या हल्का फुल्का बात रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती है, हमें कोई गाना नहीं गाना पड़ता, तो मोबाइल को गाना गाने जैसी क्वालिटी तक पहुंचाया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर उसको हद तक पहुंचाएंगे ना तो उसके अंदर हैवी पावर चाहिए जिसमें गेन लेवल मिले। अब जैसे कि मेरे सामने माइक है, तो अगर हम दूसरा माइक भी लें, आपको जैसे कि पता है कि BM 800 इस तरह के कुछ माइक्स हैं उनको चलाना है, तो आपने कई बार ये भी नोटिस किया होगा कि उन जैसे माइक्स को अगर हम फैंटम पावर के साथ कनेक्ट ना करें तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं देते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उसको भी पावर देनी पड़ती है, जो कि आप 1,000-1,200 रुपये का मोबाइल नेट से, ओ सॉरी, मोबाइल नहीं माइक
खरीदते हो। वो क्यों पावर देनी पड़ती है? क्योंकि हमें जब रैप करना होता है या सिंगिंग करनी पड़ती है, हम ऐसा नहीं है कि माइक के अंदर पूरा का पूरा घुस जाएंगे और फिर जाके बोलेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ जिस हद तक मैं घुस गया हूँ माइक में, उतना चलो चले भी जाते हैं लोग, पर क्या होता है कि ये तो गेन लेवल मैंने सेट किया हुआ है ना, तो इस कारण ये मैं आराम से इसमें बोल पा रहा हूँ। अब आपके पास इंटरफेस ही नहीं है, आपके पास डिवाइस ही नहीं है जिसके अंदर आप गेन लेवल उसका सेट कर सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी क्या कि जब आप माइक के ऊपर रिकॉर्ड करोगे तो आपको बहुत ही चीख चीख के बोलना पड़ेगा, इतनी ताकत लगानी पड़ेगी कि आप ज़्यादा देर तक गा ही नहीं पाओगे, आपका गला ख़राब हो जाएगा, आप थक जाओगे, आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी। और ये सब प्रॉब्लम्स होती है सस्ते माइक्स के अंदर या बिना इंटरफेस के आप जब यूज़ करते हो। अब इंटरफेस का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर आप गेन लेवल बढ़ा सकते हो। अब गेन लेवल का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं इतनी दूर में हूँ, ठीक है, तो आप समझ सकते हो इतनी लेवल ये कैच कर रहा है। अब इसका गेन लेवल अगर मैं बढ़ा दूं तो समझ लीजिए ऐसी आवाज़ आएगी पास, थोड़ी एक लाउड, ठीक है, और दूर हूँ तो भी रिकॉर्ड कर रहा है। गेन लेवल क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? गेन लेवल के बढ़ाने के कारण। अगर मैं वहाँ से गेन लेवल कम कर दूंगा तो ये आवाज़ कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गेन लेवल कम करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो ये गेन लेवल मैं कम कर दिया है। अब मैं गेन लेवल को बढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी आवाज़ को समझ सकते हो कि कितना गेन लेवल बढ़ रहा है। ओके, मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है। ओके, तो इतना मेरे हिसाब से ठीक है। अब आपको नॉइज़ भी आ रही होगी जैसे फ़ैन चल रहा है और दूसरी चीज़ें, और ज़्यादा बढ़ गई होगी वो, क्यों? क्योंकि ये गेन लेवल बढ़ाने का कारण है। अब दूसरी बात, दूसरी कह लो, तीसरी कह लो, अगली बात कि जब मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक लाउड साउंड नहीं होती है, ना फैटनेस वाली साउंड होती है जिसे आप कह सकते हो मोटी साउंड, जो आप खुद चाहते हो कि मेरी आवाज़ मोटी क्यों नहीं आ रही है, इतनी पतली आ रही है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो आप लोगों को ये डाउट रहता है, वो क्यों डाउट रहता है? क्योंकि आपने अभी तक अच्छे माइक्रोफोन के ऊपर अपनी आवाज़ को टेस्ट ही नहीं किया है आप, और डाउट में जी रहे हो। भाई देखो, जब तक आप लोग अपने माइक के ऊपर काम करते हो तब तक तो चलो काम चलाओ, चल रहा है काम, पर आपको एक बार तो अच्छे माइक के ऊपर काम करना ही पड़ेगा ना। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे माइक के ऊपर काम करो और मोबाइल के ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हटा दो। आप खुद सोचो यार, कब तक ऐसे काम करोगे? आपको खुद भी क्वालिटी नहीं मिलेगी, आप खुद एक टेंशन में जियोगे। अब जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बताने वाला था, इससे मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में मैंने भी मोबाइल से रिकॉर्ड किया कुछ सॉन्ग्स, मुझे भी लगा कि चलो इससे काम बन जाएगा। और एक इंसान यही सोचता है कि चलो यार मोबाइल से भी अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो चलो काम तो चल ही जाएगा, दो चार गाने बना लेंगे, चार गाने बना लेंगे और बाद में बदल लेंगे, या अब अपना बजट आएगा तो ले लेंगे। अब सीन क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ये सब कर तो लेते हैं, अब दिक्कत क्या आती है, हम दूसरों को गाने शेयर करते हैं। हाँ जी, देख लो, आप भी देख लो, तू भी देख ले, भाई देखता क्यों नहीं है, भाई मैंने लिंक दिया था, ये है वो है, दस तरह की उनको बातें बोलते हो। भाई वो क्यों देखेंगे? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी ही नहीं है, उनको वो चीज़ जो सुनने को मिलनी है, उनको एक कान में दर्द हो रहा है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो क्यों देखेंगे? अब इतनी अच्छी क्वालिटी के सॉन्ग्स बनते हैं, आप हेडफोन में इतने इन्जॉय के साथ सुनते हो, वो क्यों सुनते हो? क्योंकि उसमें क्वालिटी है। आप खराब से खराब, बेकार से बेकार लिरिक्स को अच्छा सुनते हो क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, म्यूज़िक एकदम सॉफ्ट बज रहा है, आपको अच्छा लगता है वो इसी कारण से। और इसमें क्या एक्सपीरियंस और मैंने शेयर अपना महसूस किया है कि जब मैं इस तरह के गाने बनाता था तो लोग इग्नोर कर देते थे, क्यों? और उसके बाद जब मैं अच्छे सॉन्ग्स भी बनाता था जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी है, वो भी इग्नोर कर देते थे, वो क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये अभी भी इसी तरह का काम कर रहा है जो कि क्वालिटी वाला है ही नहीं। अच्छी वीडियो बना दो तब भी उनको ये लगता था कि भाई अभी भी ये बेकार सी वीडियो बना रहा है, इसके अंदर होगा नहीं कुछ, कुछ भी ऐसा बना दो, मतलब उनको डाउट हो गया था बंदे के ऊपर ही कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा ही करता है। तो ये डाउट आपको नहीं क्रिएट करना अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि दिक्कत हो सकती है आगे आगे। आप अच्छा काम करोगे तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, जिस तरह मेरे साथ हो रहा है अभी भी, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, तो मैं खुद इस तरह फेस कर रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि आप ये सब ना फेस करना। तो जितना हो सके अच्छा कॉन्टेंट बनाओ। अब आगे वाली बात कि अगर आपको लगता है कि हाँ मोबाइल से ही रिकॉर्ड करना है, तो सबसे बढ़िया आप ये करो, पीछे जिस तरह म्यूज़िक प्ले कर सकते हो स्पीकर में प्ले कर दो, सीधा मोबाइल थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो या कैमरा चलाओ, उसके अंदर अपना रैप रिकॉर्ड करो और चुपचाप वीडियो नेट के ऊपर डाल दो, जिसे पसंद आती है वो सुनेगा, इंजॉय करेगा, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, बस बात ये है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अगर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ये भी होता है कि चलो कि
हाँ हमने रिकॉर्ड किया और कोई गलती भी नहीं निकालेगा कि इसका सॉन्ग ख़राब है। भाई सॉन्ग उसको बोल नहीं सकते ना, क्योंकि उसके ने जो कैमरा यूज़ किया है और उसके अंदर एक अटेंशन भी पैदा होती है लोगों को कि हाथ से भाई कैमरा पकड़ा हुआ है और बंदा रैप कर रहा है, जोश दिखा रहा है, कुछ भी एक्टिंग कर रहा है, तो एक पिक्चर क्रिएट होती है रियलिस्टिक वाली, तो उनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है आपके वीडियो से। जब आप उसको ऑडियो ऑडियो पकड़ा देते हो, हाँ भाई मैंने सॉन्ग बनाया, यूट्यूब पे एक फ़ोटो लगाते हो, डाल देते हो, उससे क्राउड आता नहीं है, व्यूज़ मिलते नहीं है, आप टेंशन में रहते हो, फिर बोलते हो हाँ भाई क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इसमें स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो फिर आप टेंशन में रहते हो, फिर कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, ऐसे चलते ही रहता है इस रैपिंग वाली लाइन के अंदर। और मुझे कमेंट करके बताते हो कि भाई मोबाइल से रिकॉर्ड हो सकता है, मोबाइल से रिकॉर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है। और कई लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग के वीडियोस भी बना रखे हैं जिनसे और लोगों को डाउट हो गया है और लोग मजबूर हो गया कि हाँ मोबाइल से कर लेते हैं। अब BM-800 जैसे माइक है, वो भी मैं उसको बेस्ट नहीं मानता, वो सिर्फ इसलिए पर्पस पे है, लगभग ये समझ लो कि आपको सिर्फ कुछ रिकॉर्ड करना है, ना कि आपको सॉन्ग बनाना है। आप लगभग रिकॉर्ड कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो रिकॉर्ड, उससे काम चला सकते हो, पर उस हद तक नहीं जा सकते जितना आप चाहते हो। देखो टाइम के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपने गैजेट्स को जितना जल्दी हो सके अपडेट करते रहें और वक्त के साथ आगे बढ़ते रहें, वरना क्या होगा, दूसरे लोग करेंगे और आप सिर्फ देखते रहोगे। तो यही सलाह दे सकता हूँ मैं, बाकी अगर और क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, वीडियो लंबी हो गई है, बस मैंने एक बात कहनी थी, क्योंकि कमेंट्स ना, जब से मैंने ये समझ लो हाउ टू रैप का 1.5-2 साल से शुरू कर रखा है ना, तब से मोबाइल के बारे में इतने कमेंट आ रहे हैं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, समझ नहीं आता यार अब मोबाइल को पीछे क्यों पड़े हुए यार, किसने कान में घुसा दिया मोबाइल मोबाइल। और दूसरा एक और मेरा सरदर्द करके रखा हुआ है कि भाई 1000 व्यूज़ पे क्या $1 मिलता है, $2 मिलता है, लोगों को इतना दिमाग भ्रष्ट करके रखा हुआ है ना, लोगों ने कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है, और मेरे को भी क्वेश्चन कर करके मेरा भी कई बार सरदर्द करा देते हैं। अब अगली वीडियो एक बार मैं ज़रूर बनाऊंगा इस बारे में भी कई बार कि YouTube पे व्यूज़ का क्या चक्कर है, आपको ढंग से बता दूंगा खुली बात जो लोगों ने गलत अफवाह बना के फैला रखी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और जय हिंद। सदे के काम लेना चाहते मैं उनकी ख्वाहिशों पर बैठा कुंडली मार के, क्योंकि मेरे पास अमृत और वो जहर खाते, उन्हें चाहिए जुबान मेरी, मुझे मुकाम, मुझे जाना आसमान, दुनिया लूट की दुकान, कोई ऐसी जगह पता जो जताए ना एहसान, मैं मिलना चाहता फिर से जो आते थे मेरे काम, कब से बैठा हुआ था कलम का गला दबाए।